हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के एक क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेमेस्टर 2 एग्जाम्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उसको किस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 2 से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, तो उन वीडियोज़ का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहो तो उनको फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपकी अभी तक प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो आता है सेक्शन ए में। आपको जैसे कि पता है यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए जो होगा इट इज फॉर 10 मार्क्स और सेक्शन बी फॉर 30 मार्क्स, जहां पे आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, चूज द करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। आपको केवल करेक्ट आंसर लिखना है, कॉपी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, तो ये आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, वट काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन द पिक्चर डिपिक्ट्स, तो फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन और बोथ बी एंड ए एंड सी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डैम्प्ड वाइब्रेशन है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये डैम वाइब्रेशन है जो कि फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि फोर्स वाइब्रेशन एंड डैम वाइब्रेशन। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स एंड डैम वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फोर पेंडुलम्स ए बी सी एंड डी आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पीस ऑफ रबर स्ट्रिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई एक रबर स्ट्रिंग है और आपको पूछा जा रहा है कि पेंडुलम्स ए एंड डी हैव सेम लेंथ एल, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ए और डी की दोनों की सेम लेंथ है और आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस रिजोनेंस व्हेन पेंडुलम ए इज ब्रॉट इनटू द वाइब्रेशन। तो ए को हमने क्या किया, वाइब्रेट करना शुरू किया, तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर हमने ए को वाइब्रेट किया तो पेंडुलम कौन सा इनमें से रिजोनेंस एक्सपीरियंस करेगा, तो बी की लेंथ एल वन है, सी की लेंथ एल टू है और डी की लेंथ एल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पेंडुलम डी, तो पेंडुलम डी में है आपके पास ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पेंडुलम ए और पेंडुलम डी की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब पेंडुलम डी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वही ए की भी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वही पेंडुलम डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करती है इनकी फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी और इसी वजह से जो ए का जो फोर्स वाइब्रेशन होगा ये इसकी वजह से डी को रेजोनेंस अचीव होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जबकि बी और सी में रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पिस्टन ऑफ अ ट्रक मेक्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन आप समझ सकते हो कि जैसे पिस्टन है ये आगे पीछे की तरफ मूव करता है, सो दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन एट अ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड बाय स्पीड ऑफ व्हीकल, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करती है, यानी कि स्पीड ऑफ व्हीकल ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। इज इट पॉसिबल दैट सम पार्ट ऑफ इंजन वाइब्रेट्स विगरसली ड्यू टू रिजोनेंस, क्या ये पॉसिबल है कि इंजन का कोई पार्ट विगरसली बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगे, अगर ऐसा है तो इसका रीजन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा है कि केवल तभी पॉसिबल है इफ ट्रक मूव्स एट द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ट्रक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, या फिर तीसरा कहता है कि जब ट्रक की जो वेलोसिटी होगी वो इंजन पार्ट्स की वेलोसिटी के बराबर होगी, या चौथा कहता है इट इज पॉसिबल ओनली इफ द ट्रक रनिंग विद द वेलोसिटी सच दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम पार्ट्स मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन। सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, क्योंकि आपको रिजोनेंस यहीं पे देखने को मिलेगा, विगरसली वाइब्रेशन कब होगा, जब आपको रिजोनेंस देखने को मिलेगा, और रिजोनेंस कब देखने को मिलेगा, जब पिस्टन का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगी वही उसके कुछ पार्ट्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो रिजोनेंस मिलेगा और रिजोनेंस की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा होगा, तो विगरसली वाइब्रेट करते हुए आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे, या तो पार्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन वी आई ग्राफ विल नेवर बी ऑब्टेन्ड व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 एंड 6 ओम, तो एक रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास 6 ओम का, इनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से रेजिस्टेंस होगा, कौन सा इनमें से ग्राफ होगा जो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ए दिखने को मिल रहा है तो क्लियरली सीधा है, बी ये रहा स्ट्रेट लाइन, सी ऐसे चला गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है,
क्योंकि 2 एंड 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, और अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट भी बढ़ते जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया है लेकिन करंट कम हो जाए। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा सी, आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है? तो ये तो बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है आपके पास, ये होता है ऑफ ऑर्डर 10^-15। तो 10^-14 और 10^-15 के आसपास का इसका ऑर्डर होता है, तो दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जितना बाकियों में दिख रहा है आपको, तो इसीलिए आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 बल्ब A, B and C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी और सी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। रेजिस्टेंस ए इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस बी, तो जो रेजिस्टेंस ए है आर ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बी और हाफ ऑफ सी, तो ये कह रहा है कि आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी, यानी कि आर सी विल बी ट्वाइस ऑफ आर ए, करेक्ट, क्योंकि आर ए जो है हाफ है सी का, यानी कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मैं बी के रेजिस्टेंस को आर मान लू, बी के रेजिस्टेंस को अगर मैं आर मान लू तो ए का रेजिस्टेंस कितना है, ट्वाइस ऑफ आर बी, यानी कि ये हो जाएगा 2R, और जो सी का है वो ए का भी डबल है, यानी कि 2R का भी डबल है, यानी कि 4R। तो ये पूछ रहा है कि विच विल हैव एक्सेस टू मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। तो आपको पता है करंट किसमें मिनिमम जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें है, बल्ब सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब सी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से वी बाय आर, वी सब क्या क्रॉस सेम है क्योंकि पैरेलल में है, तो आर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें करंट सबसे कम होगी, इसका ध्यान रखना, इसको उल्टा मत कर देना। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, क्योंकि आर वैसे भी रेजिस्टेंस होता है इन द फ्लो ऑफ करंट, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, जहां पे रुकावट ज्यादा मिलेगी, उधर करंट कम फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इज अलाउड टू कैरी द करंट फॉर इक्वल टाइम। तो दो वायर हैं, उनमें इक्वल रेजिस्टेंस है और उनका जो करंट है, उनमें जो करंट फ्लो किया जाता है वो भी इक्वल टाइम के लिए फ्लो किया जाता है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू वायर एक्स एंड वाई एंड वायर वाई इज 1:3, तो वायर एक्स एंड वायर वाई जो है 1:3, उनमें करंट का रेशियो फ्लो हो रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी इसमें। तो इसमें देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू होता है I²RT। तो एक्स वाले में जो हीट होगी HX इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई उसको मैं IX मान लेता हूं, IX का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, टी स्मॉल ले लेते हैं हम लोग टी, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस सेम है, तो इस दोनों का रेजिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं। HY इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² × R × T, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो ये पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, यानी कि HX/HY का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए HX/HY इक्वल टू क्या हो जाएगा, IX²RT/what IY²RT, तो RT कैंसिल कर लीजिए, तो दैट विल बी इक्वल टू IX/IY का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए IX²/IY² को आप IX/IY का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और जो रेशियो है इनमें करंट का, यानी कि IX/IY का रेशियो क्लियरली दिया हुआ है कि IX/IY ये दिया हुआ है 1:3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/9, और यू कैन से द रेशियो इज 1:9। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1:9। तो बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इलेक्ट्रिक लैम्प इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू व्हिच टाइप और टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कौन से टाइप में कन्वर्ट होती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे लाइट एनर्जी का ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, बाकी दो तो खैर गलत हो जाएंगे, करेक्ट, और मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट होती नहीं है, किस में कन्वर्ट होती है, साथ में हीट एनर्जी, लाइट के साथ साथ हीट भी निकलती है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लाइट एंड हीट एनर्जी इन दो में वो कन्वर्ट होती है। तो आई होप ये पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑर्बिटिंग नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम न्यूक्लियॉन्स बोलते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑर्बिटिंग फार्देस्ट टू द न्यूक्लियस, ये भी गलत है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, करेक्ट आंसर होगा ये,
न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल्स नहीं है। तो आई होप ये पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फॉलोइंग पिक्चर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी विल बी। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो ए बी सी डी होगा उसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ए बी सी डी जो है इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी के ऊपर वो कैसा होगा। पहला है इलिप्टिकल इन शेप, दूसरा है कंसेंट्रिक सर्कल, तीसरा है स्ट्रेट लाइन, और चौथा है कंसेंट्रिक एट द सेंटर एलिप्टिकल एज टू अवे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ये प्लेन है वायर के अक्रॉस, तो इसमें किस तरीके की मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस तरीके से बनेगी। तो आपको पता है कि कभी भी जो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कंसेंट्रिक सर्कल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका सेक्शन 1, और अब हम सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सेक्शन 2 में आपको कोई 3 क्वेश्चंस करने हैं, हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें इसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट चेंज अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसकी वजह से क्या चेंज आता है। तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल अगर चेंज निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से, तो मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है उसका A। अगर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम न्यूक्लियस, तो अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा क्योंकि 2 प्रोटॉन्स उससे निकलेंगे और 4 उससे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो इसी वजह से आप यहाँ पे यही लिखोगे कि अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होता है, इट्स एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये जेड और ए उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, तो अगर उसने वाई बना दिया मान लेते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है इट विल इंक्रीज बाय 1, बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मास नंबर, क्योंकि बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल तो निकल गया है, तो इसकी वजह से प्रोटॉन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो न्यूक्लियस में इससे क्या फर्क पड़ता है, उसका मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। और थर्ड इज गामा रेडिएशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन गामा रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ गामा रेडिएशन। सो बेसिकली देयर इज एक्चुअली नो इफेक्ट ऑफ गामा रेडिएशन ऑन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, क्योंकि गामा रेडिएशन में क्या होता है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, तो उससे जो गामा रेडिएशन निकलता है, गामा रेडिएशन में उसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर कुछ भी नहीं होता है, सब 0 होता है, तो उसके एटॉमिक और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउएवर इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो एनर्जी थी इसकी पहले ज्यादा थी इसमें, अब इसने कुछ एनर्जी एमिट की है तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो पहले ये होता है एक्साइटेड स्टेट में और अब ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाती है जब वो गामा रेडिएशन एमिट करता है, तो बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो अ न्यूक्लियस एक्सचेंजेस टू अनदर न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस है जो कि दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है, व्हाट आर द एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2, तो 88 माइनस 2, 88 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 86। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 86। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वाई, दैट विल बी 86, एंड एटॉमिक नंबर यानी कि मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, यानी कि 226 माइनस 4 एंड इट विल बिकम 222, सो इट्स मास नंबर विल बिकम 222। नेम द गैस फॉर्म्ड व्हेन द अल्फा पार्टिकल एक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, और ये हीलियम न्यूक्लियस जब 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेगा, विच गैस विल बी दिस,
ये गैस कौन सी होगी, ये गैस हो जाएगी हीलियम गैस, अगर अल्फा पार्टिकल को दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो। थर्ड है आपके पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन पासेस थ्रू द रीजन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास करोगे, किसको, अल्फा पार्टिकल को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में पास होने से क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ता है तो इस पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है, और आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आई होप कि ये चीज पता चल गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ लेड पीस ऑफ मास 400 ग्राम। तो मास आपको दिया हुआ है लेड पीस का 400 ग्राम, राइजेस फ्रॉम 20 to 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन 1560 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट। तो आपको हीट कैपेसिटी पता करनी है लेड पीस की, और ए है और बी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लेड की पता करनी है। तो सबसे पहले 400 ग्राम मास का है और 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो स्पेसिफिक, जो पहले हम हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड, यानी कि क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये चीज ध्यान रखना, क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1560 जूल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 20 to 50, यानी कि 50 माइनस 20, सो दैट विल बी 1560 डिवाइडेड बाय 30। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, सो 5 3 5 15 एंड 3 2 6, सो 52 जूल इस पर डिग्री सेल्सियस या पर कैलविन आप कह सकते हो। दिस इज पार्ट ए, कैपिटल सी। नाउ द बी इज स्मॉल सी, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड। तो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल सी हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है 52, अभी हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय 400 ग्राम। तो अगर आपको ग्राम में लिखनी है तो ग्राम में ही लिख सकते हो, आप चाहो तो केजी में भी लिख सकते हो, तो मैं ग्राम में ही कर देता हूँ। 400 दैट विल बी इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 400, इसको डिवाइड कीजिए तो दैट इज 13 0.13 जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। और अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो मास को, तो तब क्या हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 130 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने केजी में लिखा मास और यहाँ पे ग्राम में लिखा है, तो आप किसी में भी कर सकते हो, दोनों आंसर सही है, बस आप यूनिट सही लिखिएगा, अगर आप यूनिट गलत लिखते हो तो प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट थ्री फैक्टर्स ऑन विच करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो आपको पता है उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, तो यानी कि सबसे पहले चीज किस पे डिपेंड करेगा, कि जो कंडक्टर में, क्योंकि कॉइल होती है जनरली, तो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टर या नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, उस कंडक्टर या उस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, जो सेकंड है। दूसरा, उसके अलावा किसमें करेगा, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा टर्न्स होते हैं उतना ज्यादा इसमें करंट इंड्यूस होता है। दूसरा क्या है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा, तो आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी, और आपको पता है जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उसमें जो करंट है उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। और थर्ड जो आपको पता है, थर्ड इज दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपका फैराडेज लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तीन आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तीन आपकी फैक्टर्स
फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा। जितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, जितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, उतना इजीली, उतना ज्यादा आपका जो करंट है वो इंड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। आपको पूछा जा रहा है कि सुपर कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो देखिए, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सुपर कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस विच ऑफर जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। तो बेसिकली लो टेम्परेचर पे, जनरली इस नॉर्मल टेम्परेचर पे हमको अभी तक कोई सुपर कंडक्टर मिल नहीं पाए हैं, लेकिन जनरली लो टेम्परेचर पे कुछ सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इसका बी है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय अप्लायंसेस रेटेड 110 वॉट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए, आपको क्या पूछा जा रहा है, करंट क्या होगा। तो देखिए, करंट पता करने के लिए आपको पावर दिया हुआ है, तो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू I, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहां से आपको क्या पूछा जा रहा है, करंट, तो V जो I है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस P बाई V, यानी कि पावर कितना है, दैट इज 110 वॉट सप्लाई करता है जब 220 वोल्ट आप इसको सप्लाई करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो देखिए, काफी आसान क्वेश्चन था। और इसका सी है, नेम अ सब्सटेंस, आपको कैसे सब्सटेंस का नाम बताना है, हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज करने के पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो जनरली आपको पता होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, कंडक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो फिर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स के साथ क्या होता है, उनका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है एक लिमिट तक, उसके बाद उनका भी इंक्रीज होता है। तो आप किसी सेमी कंडक्टर का नाम लिख सकते हो, जैसे सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ सेमी कंडक्टर्स हैं जो जिनका जो टेम्परेचर होता है अगर आप इंक्रीज करोगे तो उनका रेजिस्टेंस पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीज होता है, लेकिन पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द डायग्राम अबव शोज थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जहां पे 1.8 वोल्ट का EMF का एक आपको सेल दिया हुआ है, और उसके साथ दिया हुआ है आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, 0.3 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, आपको बताना है करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, तो आपको करंट बताना है 3 ओम रेजिस्टर में। तो 3 ओम रेजिस्टर में करंट कैसे पता चलेगा, आपको तो पूरा करंट पता है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 ओम रेजिस्टर को मान लेते हैं R1 और 1.5 ओम रेजिस्टर को मान लेते हैं R2, करेक्ट। तो सबसे पहले ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट P मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट यहाँ पे Q मान लेता हूँ। तो P और Q के बीच में ये दोनों रेजिस्टर्स जो है वो क्या है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मान लेते हैं उसका रेजिस्टर कितना है, 1/R' है, क्या मान लेते हैं, 1/R'। तो 1/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R' विल बी इक्वल टू, R1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 3, 1/1.5। तो यहां से 1/R' इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.3, और 3 का एलसीएम 3 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1.5 इंटू 2 होता है 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 1 + 2/3, 3/3, यानी कि 1। तो यानी कि R डैश की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो R डैश इज इक्वल टू 1 ओम। तो 1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि अब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हम पता करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके, PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट, दैट इज इक्वल टू I, यानी कि 0.3 एम्पियर इंटू R। R कितना है, R डैश है, R डैश कितना है, 1 ओम। तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.3 वोल्ट आ रहा है। अब हमको क्या पता करना है, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। तो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, तो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा आप काम करोगे, दैट विल बी इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.3 अपॉन रेजिस्टेंस भी आपको पता है 3 ओम है,
0.3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपको जो पूछा जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि ये पता कीजिए द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे आर, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा पूरे सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि जो ईएमएफ दिया हुआ है आपको 1.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट यानी कि आई। तो ईएमएफ आपको दिया 1.8 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 बाय 3, ये हो जाएगा 6 ओम। अब यहां पे देखिए 6 ओम किसका सम होगा, 6 ओम यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये दोनों, इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू आर डैश प्लस ये 4 ओम का रेजिस्टर जो है, क्योंकि ये अब एक रेजिस्टर माना जाएगा सीरीज में, ये 4 ओम इसके साथ सीरीज में और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में, तो आर डैश प्लस 4 ओम प्लस यहाँ पे कितना ओम है आर, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल जो हमारा 6 ओम कैलकुलेट करके आया है। तो यहाँ पे देखिए आर डैश आपको 1 दिया हुआ था प्लस 4 प्लस आर इज इक्वल टू 6, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो आर इज इक्वल टू 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ओम। तो काफी ईजी ये क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो ये है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू आपको पता है अभी मैंने बताया था क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी एसआई यूनिट बोला गया है, तो डेल्टा टी इसमें क्या हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हम लेंगे और हीट को हम किस में लेते हैं जूल, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केल्विन। तो यहां पे चीज ध्यान रखिए। थर्ड इज द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये चीज ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, तो पर यूनिट मास सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डायग्राम, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है बिलो शोज द चेंज ऑफ द फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस ऑन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग द सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट रेट। तो आपको पूछा जा रहा है वाई इज द स्लोप सी डी लेस देन स्लोप ए बी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लोप ए बी है, ये रहा आपके पास स्लोप ए बी, यहाँ इधर टाइम आपको दिया हुआ है, ये टाइम है और इधर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा है ऊपर हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। तो जो स्लोप है सी डी का आप देख सकते हो कि सी डी का जो स्लोप है, ये पूछा जा रहा है आपको कि स्लोप सी डी का जो है वो ए बी से कम क्यों है, वो इसलिए कम है क्योंकि जब हम ए से बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ए से बी में क्या था यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, ये सॉलिड फेज में था तब, और सी से डी में ये क्या था लिक्विड फेज में है, किसमें है लिक्विड फेज में है। तो जनरली आपको पता है जो स्लोप बताता है, स्लोप किसके बारे में बताता है, स्लोप बताता है हीट कैपेसिटी के बारे में, या आप कह सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर यूनिट मास है तो किसके बारे में बताता है हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मास नहीं बोला है तो ये हीट कैपेसिटी के बारे में इसका स्लोप बताता है। अब यहाँ पे देखिए हीट कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी, जो हीट कैपेसिटी है सॉलिड की वो कम है लिक्विड से, तो जब हीट कैपेसिटी कम होगी सॉलिड की लिक्विड से तो वो ज्यादा जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कम हीट एब्जॉर्ब करके ही टेम्परेचर इंक्रीज उसका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये इसलिए है क्योंकि सी डी सॉलिड के लिए है, सी डी लिक्विड के लिए है और ए बी सॉलिड के लिए है, तो यहाँ पे सी डी का स्लोप कम है, इट मीन्स द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। बी पार्ट आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए T1 से लेके
यहाँ पे पूरा कांस्टेंट हो गया था, यानी कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए तो वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट विल बी T1 एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी T2, क्योंकि T2 पे क्या हो जा रहा है, T2 पे देखिए टेम्परेचर T2 पे ये फिर से फ्लैट बना रहा है कर्व, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कर्व आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये अलग अलग वीडियोस में कर्व समझाया है, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हो या फिर चाहे वो लेक्चर हो, लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपको ये कर्व रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक आइस पीस है, कितना मास था उसका 60 ग्राम, उसको 140 ग्राम वाटर में ड्रॉप किया गया एट 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, और आपको कैलकुलेट करना था फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन द आइस हैज मेल्टेड। तो आइस मेल्ट हो जाती है, यहाँ पे आपको क्लियरली सब कुछ दिया हुआ है, और हमको ये भी एज्यूम करना है कि सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस नहीं हुई है, यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हीट कौन लॉस कर रहा है, हीट लॉस्ट बाई वाटर, हीट लॉस्ट बाई वाटर इज इक्वल टू हीट गेन कौन करेगा जिसका टेम्परेचर कम है, तो हीट गेन्ड बाय व्हाट, हीट गेन्ड बाय आइस। तो अब मान लेते हैं, सपोज आपको क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है फाइनल टेम्परेचर, तो लेट मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर बी T डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीस ऑफ आइस का जो मास है, इसको 1 से हम डिनोट करते हैं, तो M1 से डिनोट करते हैं, M1 इज इक्वल टू 60 ग्राम, करेक्ट। दूसरा आपको क्या बोला गया, इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर, उसको M2 से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 140 ग्राम। तीसरा आपको क्या बोला गया है, एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब आइस का टेम्परेचर नहीं दिया, तो आइस का टेम्परेचर हम क्या मान लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। और मास जो दिया हुआ है, टेम्परेचर जो दिया वाटर का T2, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये दी हुई है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो कितनी है, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर कैल्विन। तो सी इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम पर कैल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस भी आप इसको ले सकते हो, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी आप इसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको पूछा जा रहा है कि अच्छा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है आइस की, वो कितनी दी हुई है, वो एल दिया हुआ है आपको, दैट इज 336 जूल पर ग्राम। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यही यूज करेंगे, हीट लॉस बाय वाटर, तो हीट कितना लूज या गेन करता है, क्यू इक्वल टू आपने पढ़ा है MC∆T होता है, तो हीट लॉस बाय वाटर, वाटर को हम किस चीज से डिनोट करें, M2 से, तो M2 C2, यानी कि सी तो उसका खैर वाटर और आइस के लिए सेम होगा, C∆T, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर है T2 माइनस फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T, तो स्मॉल से हम डिनोट कर रहे हैं, तो T2 माइनस T ये हो जाएगा इक्वल टू बोला जा रहा है हीट गेन बाय आइस। तो आइस कितना हीट गेन करेगी, दैट इज M1 इंटू L, करेक्ट, प्लस उसके अलावा, क्योंकि ये तो मेल्ट होने में करेगी इतनी हीट गेन, प्लस और किस चीज के लिए करेगी, टेम्परेचर टी तक भी तो पहुंचेगा आइस का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज M1 इंटू C इंटू T माइनस T1। तो इसको आप क्लियरली समझ लीजिए कि हीट जो गेन करेगा कौन, आइस, वो M1L कैसे आया, ये तो आइस मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको वो हो जाएगी, और फिर मेल्ट होने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर टी तक भी तो पहुंचाना है, तो उसके लिए M1C∆T वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, MC∆T वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, अब M2 की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 140 इंटू C, सी कितना दिया हुआ है 4.2 ग्राम में है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इंटू∆T, यानी कि 50 माइनस T इज इक्वल टू M1 दिया हुआ है आपको मास 60 ग्राम आइस का इंटू 336 जूल, प्लस यहाँ पे देखिए M1 भी दिया हुआ है आपको, M1 दिया हुआ है आपको 60 इंटू 4.2 इंटू, यहाँ पे T देखिए कितना दिया हुआ है, T तो T ही है और T1 जीरो है, तो T1 को जीरो हम लिख लेते हैं, तो सीधा T-0T लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और अब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे हम इस T वाली टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, और दोनों में देखिए 4.2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 140 इंटू 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 7000, ये 7000 हो जाएगा, माइनस 140 T, 140 T ये है, और माइनस 60 T ये भी आ रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 336।
अब अगर मैं 4.2 को इधर डिवाइड कर लूँ तो ये 7000 माइनस से कितना बचेगा मेरे पास 200 टी। तो 7000 माइनस 200 टी इज इक्वल टू 60 × 336 डिवाइडेड बाई 4.2। 4.2 से मैंने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे आप 4.2 से चाहो जीरो कैंसिल कर लो, पॉइंट कैंसिल कर लो, एक जीरो लगा दो ऊपर, तो ये हो रहा है आपके पास 7000 माइनस 200 टी इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ रहा है 48 4800, करेक्ट। और यहां से 200 टी विल बी इक्वल टू 7000 माइनस 4800, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2200, 2200। तो टेम्परेचर जो आ रहा है आपका टी इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 200, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 11 डिग्री सेल्सियस। सो योर आंसर विल बी 11 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन जरा आप ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की आपको अगर वायर बनानी है तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वायर के लिए आपको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो आपको जनरली जिनका ठीक ठाक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे कुछ एलॉयज होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटाइन, करेक्ट, उसके अलावा मैग्नेनियम, तो मैग्नेनिन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, आप इनको यूज कर सकते हो एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो इसका ध्यान रखिए, और अभी पूछा जा रहा है कि ऐसा हम करते क्यों हैं, यानी कि इनको एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जनरली इनके साथ खास बात क्या होती है कि एक तो इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। जनरली मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, बट इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव हाई रेजिस्टेंस, एंड द सेकेंड थिंग, दूसरा जो रीजन होता है, बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड मच बाय टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनका उनके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, और इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होने पे भी उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसी वजह से इनको आप एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड 2.5 किलोवाट एंड 250 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में आपको क्या पता करनी है, एनर्जी कंज्यूम पता करनी है कि कितनी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आपको पता है कि एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर इज इक्वल टू 2.5 किलोवाट और टाइम इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो दैट विल बी इक्वल टू, पावर आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोवाट इंटू टाइम, टाइम इज 2 आवर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 किलोवाट आवर। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ए जो है आपको इस पता चल गया होगा, एंड द सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग द कैटल फॉर 2 आवर्स एट 60 पैसे पर यूनिट। तो बी जो है आपके पास, कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी इंटू कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 60 पैसा। तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी कितनी कंज्यूम की हमने, 5 × 60 पैसा यानी कि 0.6 रुपीज, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 रुपीज, तो 3 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी आसानी वाला क्वेश्चन भी था। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये है द डायग्राम बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वाइब्रेटिंग बॉडी। तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्लस ए माइनस ए तक पहुंच रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो, और ये टाइम दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो कौन सा वाइब्रेशन है जो ये वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो इस वाइब्रेशन को आपको पता है, इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं डैम्ड वाइब्रेशन। तो फर्स्ट वाला जो आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज डैम्ड वाइब्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैम्ड वाइब्रेशन। बी बोला जा रहा है, गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिंग सच वाइब्रेशन। तो गिवन नहीं होगा, गिव होगा, गिव वन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बताना है ऐसी बॉडी का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, इनमें से एक एग्जाम्पल है जैसे आपका सिंपल, अगर पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम को आप अगर छोड़ दो इन एयर, सिंपल पेंडुलम इन एयर, तो कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। या फिर ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, ट्यूनिंग फोर्क आपको तो खैर एक एग्जाम्पल देना है, तो कोई सा भी आप वाइब्रेट करके छोड़ दीजिए, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच वाइब्रेशन, यानी कि डैम्प वाइब्रेशन।
थर्ड है आपके पास व्हाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, वो वाइब्रेटिंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और उसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है। और लास्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल हैपन टू द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? तो इट विल कीप डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड स्टॉप फाइनली। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगा। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।